हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल स्वाति व्लॉग फरीदाबाद। और कुछ दिन से ना मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे, क्योंकि पहले दिवाली के बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और उसके बाद जो है सृष्टि की तबीयत है ना वो ख़राब हो गई है, तो इस वजह से मैं व्लॉग जो है ना वो शेयर नहीं कर पाई हूँ। और कुछ इतना मैंने बनाया भी नहीं, थोड़े बहुत जो क्लिप मैंने बनाई आज मैं वही शेयर कर रही हूँ। और सर्दी तो जो है उसकी अभी तक ठीक नहीं हुई, जो कि जुकाम उसको इतना ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। और फीवर भी हो गया था उसको, फीवर तो नहीं है अभी, और मतलब कि डॉक्टर से दवाई लेके आ गए थे हम लोग, और हमने इसको ना होम्योपैथिक डॉक्टर को ही दिखाया है, और अंग्रेजी जो दवाई होती है ना वो नहीं दी है। होम्योपैथिक थोड़ा सा ना मतलब कि दिक्कत मतलब देर में ठीक होता है, लेकिन बच्चे के लिए या बड़ों के लिए वही ज़्यादातर सही होता है। अंग्रेजी दवाई जो होती है ना बहुत जल्दी ठीक कर देती है, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी भी होती है बाद में उन सब चीज़ों से। बोलो ता 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 कर दो ता ता इसको मत जैसे बोल दो ता ता नहीं है आशु, आशु नहीं है। हमारा भाई तो जवाब पे सही फोटो मैंने देखा फोटो मुझे दिखा रहे इसको देखो दोनों और अभी ना सृष्टि बहुत परेशान हो रही थी, रो रही थी, तो आशु आ गई है बालकनी में, तो उसको खिला रही थी और उसके साथ में बड़ी खुश रहती हैगी। और ये गोवर्धन पूजा वाले दिन का है, जो मैं अपनी मतलब अपनी सोसाइटी के जो मंदिर है उसमें गई थी सृष्टि को लेके। और हमारे सोसाइटी में ना सारे ही प्रोग्राम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होते हैं, देख के बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर जो सृष्टि अपने कान साफ़ करवा रही है, आराम से लेटी हुई है और बड़ी चिड़चिड़ी सी हो गई है इस वक्त ये, और इसका फेस भी देखो कितना मुरझा गया है। बच्चे जब बीमार होते हैं ना ऐसे ही हो जाते हैं, और जब भी ना सृष्टि के कान साफ़ करने होते हैं तो यही करते हैं, और जब दूसरा कोई साफ करता है ना बड़ा मज़े भी आते हैं। तो मैं भी बोल रही थी कि मेरे भी कर दो साफ़, तो ये बोले कि मैं क्या यहाँ पे कान साफ़ करने वाला लग रहा हूँ। और जब मेरी बहन की बेटी आती है ना माही, तो वो भी जब भी देखते हैं तभी हमेशा बोलती रहती है मौसा जी मेरे कान साफ़ कर दो, वो भी तिल्ली लेके ना ये आ जाती है कि साफ़ करवाने के लिए। तो ये बोल रहे थे कि मैं क्या कान साफ़ करने वाला लगा रहा हूँ, कि जो आता मुझे ही बोलता है हाँ साफ़ कर दो मेरे कान। और ये तो ये बस ऐसे मजाक में बोल रहे थे, मतलब कर देते हैं। तो बाद में मैंने भी अपने कान साफ़ करवाए और मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था, नींद आ गई थी। जब कोई इस तरीके से कान में करता है तो मैं बार बार करती हूँ और कर दो और कर दो, ऐसे सृष्टि को भी मज़ा आ रहा होगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मुझे मज़ा आ रहा है ना, मतलब आता है ना जब कोई कान साफ़ करता है, तो ऐसे ही सृष्टि को भी मज़े आ रहे होंगे, इसीलिए आराम से लेट के कान जो है ना वो साफ़ करवा रही है ये। और मुझे इतना बड़ा डर लगता है कान साफ़ करते हुए ना, कि मुझसे लग ना जाए और मैं ज़्यादा अंदर ना डाल दूँ इस तिल्ली को इस वजह से। और जो नेल्स है ना, ये कभी इसके सृष्टि के नेल्स नहीं काटते, तो इनको ये बोलते हैं मुझे नेल्स काटने से डर लगता है, तो इसके नेल्स जो है ना वो हमेशा मैं काटती हूँ। तो ऐसे कुछ काम ऐसे है जो यही करते हैं और कुछ काम है मैं ही करती हूँ।
और अभी जो आगे का व्लॉग देखोगे ये है शुक्रवार का, जो कि मैंने बनाया है। मैं बना रही हूँ पालक की सब्जी, पालक का साग। सिर्फ इसमें पालक यूज़ किया है मैंने, और कोई मतलब और जो साग होते हैं ना वो इस्तेमाल नहीं किया है। तो इसको आप देसी घी में बना सकते हो, कोई भी तेल है ना उससे बना सकते हो। मैंने तो रिफाइंड जो सरसों तेल है ना वही लिया है। सरसों तेल डाल के उसमें जीरा डाला है, इसमें हींग डाला है, और फिर प्याज जो है वो और हरी मिर्च डाल दी है। यहाँ पर मैंने मतलब बेसन और दही डाली है, 2 चम्मच 3 चम्मच दही ली है। उसके बाद 1-1.5 चम्मच मैंने बेसन लिया है। इसको अच्छे से फेंटना है, गांठ वाट ना रह जाए, और बस इसको मैंने फेंट लिया है। और जब मेरे प्याज थोड़े से ब्राउन हो गए हैं उसके बाद मैंने जो है लहसुन को इसमें कूट लिया था, बारीक बारीक कर लिया था, तो वो डाल दिया। वैसे तो मैं लहसुन खा लेती हूँ, लहसुन अदरक से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे मुंह में नहीं आना चाहिए वो कच्चापन उसका, या फिर जो बड़ा बड़ा काट के डाल देती हूँ ना वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर मैंने जो मेरे प्याज ब्राउन हो गए थे उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिया है। इसमें एक जो टमाटर काट के डाला है, इसमें खट्टापन अच्छा लगता है, खट्टा खट्टा सा थोड़ा थोड़ा। और उसके बाद मैंने कुछ मसाले डाले हैं, मसाले इसे मैंने 2-3 बोला। आज फ्राइडे है, मुझे कल रात को थोड़ा सा फीवर था, 97 समथिंग था, हल्का सा फीवर था, कल जुकाम, कल से जुकाम है, लेकिन फिर भी मैं व्यस्त हूँ, है ना सृष्टि? हाँ देखो, देर देखो यहाँ पे कैमरे में देखते हैं, ये कैमरा है, इसको देखते हैं। बोलो हेलो एवरीवन। चलो अभी हमारा फ्रीवर है। और मसालों में मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाली है, नमक डाला है, धनिया पाउडर डाला है, और कोई मसाला इसमें डाला नहीं है। तो यहाँ पे सृष्टि और के पापा की बात सुन ली आप लोगों ने कि इसको कैसे से फीवर हो गया था। इसको 99 तक इसको फीवर हुआ है। और जो मैंने बेसन और दही फेंट के रखी थी वो भी डाल दी है। और इसको बस मैंने कम आँच पे बना रही हूँ, क्योंकि कभी दही होती ना फट जाती है, तो बिल्कुल सेम आँच पे बना रही हूँ। और यहाँ पे पालक है जो मैंने धो के काट के, मतलब काटी नहीं थी, ऐसे पत्ते पत्ते पीस के डाल रही हूँ इसमें, और थोड़ी सीटी लगा ली थी इसमें 1-2, तो वो अच्छे से उसमें गल गई थी। तो यहाँ पर अब ज़्यादा पकाने की जरूरत नहीं है मुझे, और बस मेरी यहाँ पे सब्जी जो तैयार हो गई है। उसके बाद जो मैंने पालक डाला ना, उसके बाद मैंने 2-3 मिनट 5 मिनट मैंने उसको और पकाया है। और यहाँ पर जो है मैं आज बना रही हूँ मक्की की रोटी साथ में। अब मक्की की रोटी मुझे आती नहीं है बनानी, मैं पहली बार ही बना रही हूँ, और पहली बार का कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहता है वो शेयर करूंगी मैं आज। और देखने में जो लगता है ना कि बहुत आसान है मक्की की रोटी बनाने, जैसे कि मेरी बड़ी बहन बहुत अच्छे से बना लेती है बड़ी बड़ी रोटी, और मेरी जिठानी को देखा था मैंने बनाते हुए गाँव में, तो वो भी बहुत अच्छे से बना रही थी। लेकिन मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं है मक्की की रोटी बनाना, जो इसका आटा भी गूंदना जो है वो इतना आसान नहीं है। और मैं जो गुनगुने पानी से इसका आटा ना वो लगा रही हूँ। और कुछ भी मैं नया कुछ काम करती हूँ ना, जैसे कि आज मैं ये मतलब कि मक्की की रोटी बनाने की मैंने सोची, इनको बोला कि मक्की का आटा, ज्वार का आटा, बाजरे का आटा लेके आना, तो ये लेके भी आ गए थे और बहुत खुश हुए, इनको तो बहुत अच्छा लगता है। और मैंने खुद से जब बोला ना तो और ज़्यादा खुश हो गए। मैं कहा मैं ट्राई करती हूँ, मुझे बने मुझसे बनेगी नहीं बनेगी वो मुझे नहीं मालूम, तो ये बोले ट्राई करिए ना, यही बहुत बड़ी बात है, लोग तो ट्राई नहीं करते हैंगे, और तू मतलब कि सोच रही है वही बहुत बड़ी बात है, कर रही है, तो मतलब जैसी बनेगी मैं खा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी ना ये कभी भी ना मतलब कि खाने में कमी नहीं बताते कि हाँ ये कमी है, या इसमें सब्जी में नमक नहीं है, वो मतलब एक होता है ना बहुत लोग बताते हैं इसमें, ये कभी भी ज़्यादा ना खाने के पीछे वो नहीं करते हैंगे कि जो बनता है ना वो बहुत अच्छा खाना बनता है। तो मैं हाथ से ही इसको बेलने, मतलब कि हाथ से इसको बड़ी करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मुझसे हुई नहीं। तो मैंने चकले पे सूखा आटा लगाया, उससे मैं कर रही हूँ, ये बहुत फट रही है, बहुत मुश्किल से बना रही हूँ। ये मेरी पहली रोटी है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बार जब मैं बना रही हूँ उसके हिसाब से बहुत अच्छी मैंने बनाई है। मतलब खुद को मुझे लग रहा है कि हाँ मैं अच्छी बना लूँगी, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद तो और मतलब अच्छी जो है रोटी बन जाएगी। और उसके बाद तो मैंने ना चकला, मतलब चकले को यूज़ ही नहीं किया, बेलन तो यूज़ ही नहीं किया, चकले को भी यूज़ नहीं किया। बाद धीरे धीरे मैं हाथ से ही बड़ी करने की कोशिश करने लगी, और फिर धीरे धीरे मेरी फट भी नहीं रही थी रोटी, इसमें घी लगा लगा के मैं कर रही थी हाथ पे। और गैस को ना मैंने बिल्कुल सिम पे रखा है, और सिम में धीरे धीरे रोटी पकेगी ना वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हल्की सी मोटी रोटी बनती है इस वजह से, और फिर अंदर से कच्ची ना रह जाए। तो मैं धीरे धीरे आँच पे इसको पका रही हूँ। और कहते हैं ना कि मल्टीग्रेन जो आटा है ना हमें वो नहीं खाना चाहिए, वो हमारे पेट के लिए सही नहीं रहता,
जो मतलब अलग अलग दिन पे अलग अलग तरह की रोटी खानी चाहिए, कभी बाजरे की, कभी गेहूं के आटे की, कभी मक्की के आटे की, कभी ज्वार की, इस तरीके से खानी चाहिए। और मैं कोशिश करूँगी अब जल्दी ही बाजरे की रोटी आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। और सरसों का साग है, वो मैंने सरसों का साग भी कभी नहीं बनाया है, तो वो भी मैं ट्राई करूँगी कि मुझे नहीं पता उसमें कितना क्या लगता है। बना तो मैं लूँगी लेकिन अंदाज़ा नहीं है कि उसमें कितनी क्या क्या सब्जी लगेगी। तो यहाँ पर ये खुद भी खा रहे हैं, सृष्टि को भी खिला रहे हैं, और ये बोल रहे थे कि ना बहुत अच्छा बना है। और दिल्ली साइड और हरियाणा की साइड आप देखोगे ना, पालक की सब्जी को इसी तरीके से बनाया जाता है जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। और बचपन से मेरी मैंने देखा मेरी मम्मी को इसी तरीके से बनाती है, और मेरी बहनें भी इसी तरीके से बनाती है, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप कभी नहीं बनाते हो, सबका अपना तरीका होता है, एक बार बना के ट्राई करना, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैं ना पास से दिखा रही हूँ बिल्कुल रोटी को आपको, एक हाथ में मेरे फ़ोन है और एक हाथ से मैं रोटी मतलब कैसे दिखा रही हूँ आप लोगों को। और थोड़ी थोड़ी रोटी है ना फूलनी शुरू हो गई, और जब तक तो फूलती है ना रोटी, मुझे बड़ी खुशी मिलती है उसको फूलते हुए ऐसे देख के, है ना कि रोटी फूल रही है। हाँ भाई बहुत अच्छी रोटी बन रही है अंदर से, मतलब अच्छे से पक रही है। और शेप पे मत जाना भी, शेप कैसी है, टेढ़ी मेढ़ी शेप है, और बहुत मुश्किल होती है रोटी बनानी। लास्ट की रोटी दिखाऊंगी, ये मेरी लास्ट की रोटी है, देखो कि थोड़ी बड़ी भी बनी और कम ये टूटी है। तो इसको मैंने बहुत आटे को थोड़ा बाद बीच में आटे को, मुझे लगा आटा ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें अच्छे से गूंदे। यहाँ पर मैंने अपनी जो प्लेट है वो लगा ली है, तो यहाँ पर मैंने रोटी ली है, मक्की है, गुड़ है, और पालक का साग है, लस्सी है, और मूली और होती है इसके साथ में, और मज़ा आता है खाने में। और जैसे कि दिवाली के बाद से एकदम से मौसम थोड़ा चेंज हो गया, हल्की हल्की ठंड सी शुरू हो गई है, और मुझे ना बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती थी, इस बार मुझे भी ना हल्की हल्की ठंड अब लगनी शुरू होगी। मैं पंखा नहीं चला रही हूँ अभी से ही, नहीं तो मेरा पूरी सर्दी जो है ना पंखा चल जाता। ये तो मैंने अभी से मतलब कि मैं हैरान हूँ कि मैं पूरी सर्दी पंखा चलाने वाली लड़की, और अभी से जो मेरा पंखा है ना वो बंद हो चुका है, मैं नहीं चलाती हूँ। और मशीन लगाई थी सृष्टि, कपड़े हम लोग अलग से ही लगाते हैं, तो उसके कपड़े आज लगाए थे, हफ्ते में 2 बार ही लगाते हैं उसके कपड़े हम लोग, और अपने कपड़ों के साथ में उसके कपड़े नहीं धोते हैं, अलग से धोते हैं। तो अभी मैं बस वही फोल्ड कर रही हूँ, तो आप देख सकते हो कि कितनी चिड़चिड़ी हो गई है, एक जगह बैठती नहीं है इसको, बस आजकल की रहता है मुझे गोदी में रखे रहो और मैं नीचे तो बैठूंगी ही नहीं, और नीचे भी तब बैठते हैं जब बिल्कुल हम इसके साथ में बैठे रहो, तब ऐसे अकेले बैठ के नहीं खेल रही है वो, क्योंकि हो सकता है तबीयत खराब है इसी वजह से। और इस वाले व्लॉग से पहले मैं कोई और व्लॉग जो मेरा बना हुआ रखा है मैं वो शेयर करना चाह रही थी, मगर नहीं, मैं क्यों व्लॉग नहीं बना पाई वो मैं इस व्लॉग में शेयर कर देती हूँ, क्योंकि वो मैंने हाउस टूर वीडियो दिवाली वाले दिन बनाया था। तो आप लोग बताना मुझे कमेंट करके कि मेरा हाउस टूर वीडियो आप लोग देखना चाहते हो, व्लॉग देखना चाहते हो, तो मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। और सृष्टि के जितने भी कपड़े हैं मैं दिल्ली से जो है विशाल मेगा मार्ट से लेके आई थी जब मम्मी घर पे गई, तो वो इसके कपड़े तो मुझे कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो अलग से निकालने हैं, बस एक दो बार मतलब एक दो बार कह रही हूँ, एक बार बस देखूँगी जितने भी इसके पुराने पिछली बार के कपड़े हैं ना, उसमें से कुछ देखती हूँ कि कुछ बड़े कपड़े होंगे तो वो आ जाए तो इस बार ठीक है, नहीं तो इसके तो कोई भी कपड़े जो है पुरानी सर्दियों वाली जो भी हुई थी तब तो इसके आएंगे ही नहीं कोई कपड़े। और गर्मियों के तो फिर भी इसके पास बहुत सारे कपड़े हैं, लेकिन सर्दियों के मैं बहुत सारे कपड़े मैं नहीं खरीदने चाहती। एक तो इतने महंगे कपड़े आते हैं बच्चों के भी, 500 रुपये से स्टार्ट ही, सोचो एक ड्रेस लेने जाओ तो 500 से स्टार्ट ही होती है बच्चों के कपड़ों की। और अभी हम लोगों ने सोचा ना कि इसके ज़्यादा सर्दी वाले कपड़े तो खरीदेंगे नहीं, और साथ के साथ जितने भी कपड़े होंगे ना वो साथ के साथ धो दिया करेंगे, जिससे एक दिन में एक या दो जोड़ी बच्चों के हो ही जाते हैं, और तभी ठीक रहेगा, क्योंकि फिर अगली बार इसके फिर कपड़े नहीं आएंगे। और सर्दी वाले कपड़े बहुत ज़्यादा जो है महंगे भी आते हैं। और यहाँ पे ये है शाम का टाइम, और यहाँ पर जो मेरी कॉटन की जो बेडशीट है जो इस सिलवाई अलमारी में रखी है, मैं जो डेली यूज़ करती हूँ बिछाती हूँ, वो मैं यहाँ पर पैक करके रख रही हूँ, क्योंकि अब तो ये वाली मेरी यूज़ होंगी नहीं। और जैसे जैसे मैं पैक कर रही हूँ ना सृष्टि उसी को निकाल निकाल के बाहर फेंक रही है, कि मैं एक रख रही हूँ वो एक निकाल रही है, इस तरीके से चल रहा है, मुझे रखने नहीं दे रही है वो। क्योंकि सर्दियों में तो मैं ना ये कॉटन वाली जो बेडशीट होती है ना वो नहीं बिछाती हूँ, मेरे पास 2 बेडशीट है गर्म वाली, वही बिछाती हूँ, एक धोती हूँ एक बिछाती हूँ, वो भी मेरे पास 2 ही हैं, और अभी और मैं खरीदूँगी भी नहीं, 2 से ही मेरा काम जो चल जाता है, और वो दोनों की दोनों मेरी मम्मी ने दी थी तो वही है मेरे पास। और ना सर्दियों वाले कपड़े मैं ज़्यादा खरीदती भी नहीं हूँ, क्योंकि उनको रखने में बड़ी दिक्कत आती हैगी, क्योंकि 2-3 महीने की सर्दी होती है, फिर क्यों इतने कपड़े खरीदने, क्यों इतनी बेडशीट खरीदनी, 2 है 2 से ही मैं काम जो है वो मेरा चल जाता है। और अभी तक जो मेरे कपड़े और इनके कपड़े हैं मैंने सर्दियों वाले निकाले नहीं है, तो वो भी देखूंगी कि सैटरडे संडे मतलब कि उस दिन निकालूंगी जिस दिन सैटरडे या संडे होगा, क्योंकि बीच में तो किसी दिन मैं नहीं निकाल पाऊंगी।
और क्योंकि इनकी भी हेल्प चाहिएगी मुझे। और ये है रात का टाइम, ये गए थे मार्केट में कुछ कुछ सामान जो है वो लेने के लिए। तो ये हमारी जो घड़ी, मैंने जैसे दिवाली में बताई थी कि वो टूट गई थी, तो बिना घड़ी के तो बड़ी मतलब कि प्रॉब्लम सी हो रही थी कि कितना भी आप मोबाइल हो, हाथ वाली घड़ी हो, लेकिन मतलब ये वाली घड़ी होनी ज़रूरी है। तो ये हम लेके आए हैं, और जिस दिन मैं आज वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आज ये वाली घड़ी भी हमारी जो है ख़राब हो गई है। तो इसको दोबारा जो कि दुकान पे देके आना है, और इस वाले ब्लॉग को भी मैं एंड करूँगी, मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप सभी को बाय बाय, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।